किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो? अभी तो थोड़े इक्विपमेंट है मेरे पास, तो उसी से थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ा ले रहा हूँ। क्यों बोले तो अभी रनिंग नहीं कर सकते ना बॉलिंग कर सकते, तो जो भी है अपने फिट रहने के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर ले रहा हूँ घर पर। एक और एक्सरसाइज है जैसे फ्रंट स्क्वाट वे सो। मोहम्मद कैफ को मानता था, जो उनकी फील्डिंग थी तो उनको मानता था उनके ऐसा फील्डर बनने का, मतलब जैसा ही। फिर बाद में कैसा कैसे सीखा, मतलब कि लेदर बॉल में कैसे सही खेलते हैं, वो कैसा जर्नी हुआ? जैसे जैसे मैच खेलते गया मैं उतना एक्सपीरियंस में से आते गया, आउट स्विंग कैसा डालते, इन स्विंग कैसा डालते। मैं आउट स्विंग के लिए इतना कोशिश करता था बट आउट स्विंग मेरा होता नहीं था, इन स्विंग ही आता था। नया बॉल खेलो या पुराना आपने बॉल, इन पहली स्विंग। बार सीजन बॉल में पकड़ा था लेदर बॉल, तो ऐसा कुछ था लाइक कब वो हुआ कि नहीं यार मुझे आईपीएल खेलना है या मुझे इंडियन टीम में जाना है, या ये सब ऐसे ही हुआ किस्मत की तरह? मैं तो ये सब सोचा नहीं था कि मैं आईपीएल खेलूंगा कि इंडिया खेलूंगा। खाली मेरा एक ही था कि मैं जो भी मैच खेलूंगा 100% खेलूंगा, या अगर वो सोचूंगा मैं अरे इंडिया के लिए खेलूंगा बोले तो एक माइंड में एक अलग प्रेशर आता। अरे इतने सारे प्लेयर्स है, उतने में से 15 प्लेयर्स सेलेक्ट, एक प्रेशर रहता। तो मैं वो सब नहीं सोचता था, बट मेरी बॉलिंग करता था, मेरे को सही मैच आता था करता था, वो ऑटोमेटिक ही होते गया स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय। तो आपको कैसा लगा जब आप पहली बार आईपीएल में आए और खेलने के भी चांसेस मिले? मतलब कि आईपीएल में काफी डेब्यूट होते हैं पर उनको चांस नहीं मिलता, पर आप तो पहली आईपीएल में मैचेस भी काफी खेले, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? पहले तो जब मैं आईपीएल ज्वाइन किया सबसे इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद मैं 6 मैच ड्रॉप था स्टार्टिंग के, तो 7 मैच हमका दिल्ली के अगेंस्ट था। तो मैं हैदराबाद में मैच था, तो मैं दिल्ली दिल्ली से मैच था, हैदराबाद में था मैच, तो मैं घर आ रहा था तो टॉम ब्रेडी मुझे मैसेज करता है, वेर आर यू मैन। तो मैं बोला आई एम एट होम, यू कम फास्ट होटल। ओके तो आप जब इंडियन टीम ड्रेसिंग रूम में थे पहला दिन आपका, तो वो कैसा था? वो ब्लू कलर्स, इंडियन टीम में बनना, पहली बार ड्रेसिंग रूम में, तो वो कैसा फीलिंग था? वो तो अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। जैसे मैं यहाँ पर बैठा था, मेरे ऑपोजिट विराट भैया थे, तो मेरा मतलब वो हीरो है मेरे, तो मैं उनके सामने ऐसी 15 20 मिनट्स बस उन्हीं को देखते रहा। तो विराट भी मुझे देखे, क्या मियाँ किधर खो गए तुम, बोल के पूछते। बोला नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सही मतलब मतलब आप वो में एक खो गए। अलग, हाँ मतलब अलग ही था वो। और फिर आरसीबी में होना, फिर तो मतलब के बहुत ज्यादा विराट कोहली के टाइम स्पेंड करना, वो आपके घर भी आए थे खाने के लिए, तो वो आरसीबी में हाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा? विराट कोहली के साथ उसके कैप्टेंसी के अंदर इतना सारा टाइम मिलना, तो काफी कुछ एडवाइस मिला है, या वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? विराट भाई एक ही बोलते हैं, एकदम बिंदास खेल क्रिकेट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है क्रिकेट, मतलब बिंदास। तेरे जो होता मेरे से पूछ, जो फील्ड चाहिए तुझे मैं दूंगा, हाँ तू एकदम बिंदास खेल। मतलब एक फ्री देते बॉलर्स को, ज्यादा प्रेशर नहीं देते, जो करना है कर। हाँ हाँ मतलब बोलर्स में पूरा बिलीफ रखते हैं और आपको जो करना है करने देते हैं। अच्छा है। ओके, आपकी लाइफ के लिए एक प्लेयर को खेलना हो तो किस प्लेयर को चूज करोगे? मतलब कि इफ आपकी लाइफ डिपेंडेंट हो, मतलब किसी ने बैट करना है, तब कौन से प्लेयर को चूज करेंगे कि आपके लिए बैट करे? एक भी कोई बैट्समैन को चूज करना हो जो आपके लिए खेले, मतलब कि आप लेट्स से किसी ने आपको किडनैप किया है, तो ये एक बैट्समैन ही है जो बस बचा सके, तो उसको अच्छा खेलना है, तो आप किसको चूज करोगे आपके लाइफ के लिए खेलना? ऑब्वियसली विराट भैया। वो मेरे भी फेवरेट है। सो ऐसा कुछ है जो एस्पायरिंग जो यंग क्रिकेटर्स है, आप उनको कुछ कहना चाहिए? ऑब्वियसली जो कि अभी जैसे हर
यंगस्टर का ख्वाब है कि एक इंडियन क्रिकेटर बनना, इंडिया के लिए खेलना, तो मेरा ये एक ही है कि मतलब वो अपने दिमाग में प्रेशर मत डालो कि मैं अभी इंडिया खेलूंगा, ये करूंगा, जो अपने हाथ में है पहले फर्स्ट फिटनेस, फिर उसके बाद जो अपने हाथ में वो करे आप, मतलब ज्यादा प्रेशर अपने माइंड में मत दो, वो सब अपनी बॉलिंग में, मतलब एक तरीके से अपन बॉलिंग स्किल बढ़ाते जाइए डे बाय डे, वर्कआउट करिए, ऐसा सोचेंगे कि एक इंडिया का, इंडिया को खेलना है बोलते तो एक प्रेशर हो जाता है और अपन वो मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा फिर, बट एक प्रेशर से वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होता है वो टाइम पर। तो एक बिरयानी या गाजर का हलवा? बिरयानी बिरयानी, ओके, नॉट बैड।